हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बस यूनी। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूंगी आरोग्य सेतु के बारे में, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और देखिए इस वीडियो को ध्यान से। हो सकता है कि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। क्या है ये एप्लीकेशन, क्या खास है इस एप्लीकेशन में, इसमें क्या बताया गया है, कैसे ये हमें हेल्प करेगा और कैसे हमें कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन की स्क्रीन पे जाना है। मैं अपनी फोन की स्क्रीन पे जा रही हूँ। गूगल प्ले स्टोर पे मैं जाऊंगी और वहां जाके मुझे लिखना है आरोग्य सेतु। तो जैसे ही मैं आरोग्य सेतु लिखूंगी तो वहां पे ये एप्लीकेशन मुझे शो होगी और मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो मैं इसे इंस्टॉल कर रही हूँ और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो भी जानकारी आपको मिलेंगी वो सारी की सारी जानकारियाँ आपको सही मिलेंगी। तो मेरी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो गई है और अब हम चलते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैं देख रही हूँ कि ये 12 भाषाओं में दी गई है। 12 भाषाओं में हम इसको, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी भाषा में जो इंसान जिस भाषा में कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तो वो उस भाषा में इसको यूज कर सकता है। तो मैं फिलहाल इसे हिंदी में यूज करूंगी। अब जैसे ही आप इसको अपनी भाषा को चूज करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको दिखाई देंगी। कोरोना से रिलेटेड कुछ सूचनाएं हैं जो इसमें दी गई है, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक करें, पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप इसको रजिस्टर्ड कर लें। रजिस्टर करने के बाद इसमें नियम और शर्तें आएंगी कि इसमें कुछ गोपनीय शर्तें रखी गई हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे आपका लोकेशन के लिए बोला गया है कि आप इसको अपने लोकेशन को हमेशा GPS को ऑन रखिए और इसमें ये आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और आपका जो डाटा है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। तो अगर आप इन सब शर्तों से सहमत हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि मैं सहमत हूँ, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, तो आप इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। और उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को डाल के सबमिट करेंगे तो उसमें एक OTP आएगा और उस OTP को भी आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपका OTP सबमिट हो जाता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो इसका होम पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसके होम पेज में है क्या, इसके होम पेज में कुछ निर्देश दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि आप सामाजिक दूरी को बनाए रखिए, सेल्फ असेसमेंट जो टेस्ट है वो कैसे होगा, और आप जो डेली अपडेट्स हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है कोरोना को लेके, कितने नए मरीज आ रहे हैं, कितने रिकवर हो रहे हैं और कितने की डेथ हो रही है, ये सब आप इस पे जाके देख सकते हैं। और इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं कि आप हाथ ना मिला के नमस्ते का यूज़ करिए, सामाजिक समारोह में ना जाइए और आप कितनी दूरी बना के रखें। तो इसमें दिया गया है कि कम से कम 2 लोगों में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ वीडियोस भी डाले गए हैं इसमें जो आपको कोरोना की जानकारी देते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ COVID-19 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स खुल के आ जाएगी जो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको गवर्नमेंट देना चाहती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके अलावा आप COVID-19 के बारे में जाने सही जानकारियाँ उसको पता चले आपको कि एक्चुअली में है क्या और उससे आपको बचना कैसे है। और साथ ही साथ इसमें PM रिलीफ फंड के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, तो अगर आप सक्षम हैं और आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इस फंड में आप जो भी योगदान अपना देना चाहें वो आप दे दीजिए। तो इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट कैसे करना है। टेस्ट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एप्लीकेशन में ही सबसे ऊपर लिखिए देखिए, तो वहाँ पे लिखा है स्वपरीक्षण। आप स्वपरीक्षण पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो टेस्ट के लिए स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी।
उसमें लिखा गया है कि सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, तो आपको जो भी इसमें आंसर देने हैं वो बिल्कुल राइट देने हैं, आपको कोई भी आंसर गलत नहीं देना है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। और तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने जो आया है वो ये है कि क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का भी अनुभव कर रहे हैं, और लक्षण है खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत। मुझे इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नन ऑफ दीज पर क्लिक करूंगी कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है, क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोगों में से कुछ भी हुआ है? और रोग जो लिखे हैं वो ये हैं कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं है, तो मैं इनमें से कोई नहीं पे क्लिक करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? तो मैंने तो कोई भी यात्रा नहीं की है, तो मैं नहीं पे क्लिक करूंगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन पुट हुआ है इसमें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है। उसमें दो विकल्प दिए हैं, नंबर वन, हाल ही में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है, तो मेरा किसी से भी मिलना नहीं हुआ है। और दूसरा, मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक COVID-19 पुष्ट मामले की जांच की है, तो मैंने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है, तो इनमें से कोई नहीं पे मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस के बिल्कुल सही सही जवाब देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाता है, और मेरा रिजल्ट आया है कि आपका संक्रमण का जो जोखिम है वो कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहे। तो मेरा जो टेस्ट है वो बिल्कुल निगेटिव है, और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर 2 हफ्तों में आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेस्ट को पुनः कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे इनकी वेबसाइट भी दी गई है, जहाँ पे जाके आप डिटेल्स में और भी बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरह से आप अपने घर पे बैठे आराम से टेस्ट करके देख सकते हैं कि कहीं आप में कोई लक्षण तो नहीं है, आप में संक्रमण की कितनी मात्रा है या नहीं है। तो बहुत इजी है इस टेस्ट को करना, आप आराम से इसको कर लीजिए। तो मेरा जो टेस्ट था वो तो बिल्कुल नेगेटिव आया है, तो हम वापस इसके होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फंक्शन दिए हुए हैं सॉरी, तो वो फंक्शन है जैसे कोविड अपडेट्स। तो आप कोविड अपडेट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारे राज्यों के जो संक्रमित व्यक्ति हैं या जो कितने स्वस्थ हो गए हैं, कितनों की डेथ हो गई है, तो वो सारी जानकारियाँ भी आपको मिलती रहेंगी। तो आप डेली अपडेट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ई पास की सुविधा भी दी गई है, तो कभी अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो इसकी लगती है वो ये है कि इसको शेयर करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ऊपर एक शेयर का बटन दिया गया है, अगर आप उसको उस पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर, SMS बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिससे आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और उनको इस एप्लीकेशन की जानकारी दे सकते हैं और इंस्टॉल भी करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन लगा मुझे। और इसमें एक और चीज़ है कि ये आपकी जो लोकेशन है उसको ट्रैक करता है। तो अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर आपको निकलना भी पड़ रहा है, मान लीजिए आपको मार्केट जाना पड़ रहा है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आपको इस लॉकडाउन में भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है और आपने ना GPS ऑन कर रखा है, तो आप किसी भी अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाले होते हैं जो कोरोना से संक्रमित है, तो आपको उस बीच में ये एक अलर्ट जारी कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति संक्रमित है, तो आपको हेल्प मिलेगी और आप उससे बच जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए नीचे दिया गया बेल आइकन को दबा दीजिए। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आने वाले वीडियोस में आपके क्या सजेशन है। आपको भी अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा दिखता है जिसपे आपको लगता है कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब तक ये लॉकडाउन है इसका पूरी तरह से पालन कीजिए। इसी आशा के साथ दोबारा मिलते हैं हम एक नए सब्जेक्ट और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।